राउंड टू वर्ल्ड के जो सलमान है इस टाइम उन्हीं को पता है कि वो किस हालत में है। आप लोगों को पता होगा कि जिस इंसान के साथ में जो होनी होती है उसी को पता होता है कि यार ये क्या है, क्या मसला है, वही इस दुख और दर्द को समझ सकता है। जब एक इंसान हमेशा साथ में रहने वाला हो और वो एकदम से जो कि अपनी जिंदगी का पूरी तरह से साथ छोड़ जाए। यहीं पर आप सबसे पहले देखिए कि सलमान ने जो स्टोरी लगाई हुई है, स्टोरी लगाते हुए सलमान ने लिखा है कि मिस यू मेरे भाई, मिस यू भाई। और नीचे की देखो, आजा यार कहां है तू, और रोने की इमोजी यहां पर लगाई हुई है। आप यहां पर समझ ही सकते हैं कि किस तरह से, और अगली जो स्टोरी जो कि सलमान ने लगाई हुई है मिस यू मेरे भाई, यानी जो उसमें दूसरे की डेथ हुई, दूसरे का इंतकाल हुआ है, वो जैद इसका भाई है, इसका सलमान का, राउंड टू वर्ल्ड के जो सलमान है इसका भाई दूसरा था। हालांकि आप लोग इनके दर्द को और दुख को समझिए कि ये लोग किस तरह से कितने दुख में है और दर्द में है। एक बार आप अपने ऊपर जो सोच कर देखिए कि यार अगर ये बातें अल्लाह ना करे हमारे साथ में अगर हो हमारे, अच्छा एक बात सोचिए कि हमेशा आपके साथ में कोई बंदा रह रहा है, तकरीबन 20 साल से आपके साथ में कोई बंदा रह रहा है, 15 साल से बंदा रह रहा है, तो 15 साल से जब बंदा रह रहा है तो एक दिन अचानक से आपका साथ छोड़ जाए तो आप कैसा फील करेंगे। मेरे भाई खाना पीना तक अच्छा उनको नहीं लगता है। जब सलमान का हमने इंटरव्यू देखा तो उसमें जब वो इंटरव्यू देखा तो उसकी आंखें इतनी नम थी, साथ ही उसकी पलकें इतनी भीगी हुई थी कि यार क्या ही बताएं। दूसरे दिन तक उसकी पलकों से आंसुओं के जो कि आंखों से आंसू, आंखों की पलकों से आंसुएं जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस सलमान को कितना दुख है अपने लकी चौधरी का जाने का, अपने भाइयों का जाने का, जो भी उसके टीम के मेंबर गए हैं उनका सभी का जाने का। आखिर सलमान भाई को कितना दुख होगा। मेरे भाइयों मैं उन सभी से कहना चाहूंगा यार इस नफरत की जड़ को खत्म कर दो, सिर्फ अपने सही रास्ते पर चलो, ये दुनियादारी कुछ नहीं है। आखिर सबको एक दिन हलाक इस दुनिया के अंदर से जाना है, एक दिन इस दुनिया को सबसे छोड़ना है। तो बस आप लोग सभी के लिए इनके लिए मगफिरत की दुआएं करें और इनके हक में भी दुआएं करें कि राउंड टू वर्ल्ड के जो भी मेंबर हैं, राउंड टू हेल के जो भी मेंबर हैं, टीआरटी के जो भी मेंबर हैं, जो भी मुस्लिम भाई हमारे इस तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट पर काम करते हैं, तो वो सभी सही कंटेंट बनाने की कोशिश करें, ना कि उसमें गाली गलौज दें, ना किसी अपशब्द का इस्तेमाल करें। तो आप लोग बस खास तौर से दुआएं करें, इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में सभी के लिए दुआएं करें।